हेलो एंड वेलकम टू ग्रेडअप स्टडी डॉट कॉम। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। ठीक है, काफ़ी सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने वचन दिए थे, अपने अपने नारे दिए थे। तो कौन सा नारा किसने दिया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नारे हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वचन हैं, उनके नाम पढ़ेंगे और वो जो नारे हैं वो किसने दिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपके पास इंकलाब जिंदाबाद। तो ये किसने बोला था, भगत सिंह। देखो यहाँ से एक कन्फ्यूजन हो जाती है, यहाँ से कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है बंकिम चंद चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद चटर्जी। अगर आपको ये लिखा होगा, अगर आपको ये लिखा दिखाई देगा ऑप्शन में, तो यह भी सही होगा। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बंकिम चंद चटर्जी या फिर भगत सिंह। क्योंकि कई बार बंकिम चंद चटर्जी बताया जाता है, कई बार भगत सिंह बताया जाता है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आपके पास दिल्ली चलो का नारा, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, थर्ड है आपके पास करो या मरो का नारा, और भारत छोड़ो का नारा, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, जय हिंद, जय हिंद का नारा, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है, ये किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे चलते हैं, आगे है वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती। आपके लिए क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, किस समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आपको पढ़ाया भी हुआ है, तो मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट में। आगे चलते हैं, जय जवान जय किसान, ये किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, और इसमें एक नारा और जोड़ दीजिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने दिया था, तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, मारो फिरंगी को, तो ये नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने। ठीक है, उसके बाद है जय जगत, तो विनोबा भावे। आगे चलते हैं, कर मत दो, तो ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है आपके पास, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, बंकिम चंद चटर्जी। देखिए यहां पर मोहम्मद इकबाल होगा, यहां पर हमने गलत बोल दिया आपको, यहां पे होगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल, इकबाल। ठीक है, क्योंकि जो चटर्जी है वो तो दिया था वंदे मातरम। ठीक है, तो यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो वंदे मातरम किसने दिया था, बंकिम चंद चटर्जी ने, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह या फिर मोहम्मद इकबाल, इसका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे चटर्जी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण नारे। तो जैसे कि जन गण मन अधिनायक, देखो ये आपको पता होगा कि ये किसने लिखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, आगे चलते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, आगे चलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। ठीक है, आगे चलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो लाला लाजपत राय। आगे चलते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेक्स्ट है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, तो ये किसने दिया था, लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नारे जिनके नाम आपको याद रखने हैं कि ये जो नारे हैं ये किसने दिए थे। ठीक है, और ये आपको याद करने हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।